स्वयं कष्ट उठाकर ही हम धर्म का पालन कर सकते हैं. वी कैनॉट सर्व द कंट्री फ्रॉम कंफर्टेबल लेवल्स. मैं सारे कंफर्ट में रहते हुए मैं इस राष्ट्र की सेवा करूंगी, ऐसा संभव नहीं है. तो ये जो समय का नियोजन है, अपने एक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक थे, वो ये उदाहरण देते थे. ऐसा मैंने सुना है कि जैसे समझिए किसी घर ने सारा ये किया है, क्या नियोजन किया है, अभी बच्चा होगा, बच्चे की देखभाल करेंगे, तो पढ़ाई, आजकल तो लोग थोड़ा नियोजन से ही करते हैं ना कि बच्चा कब होना है, और ऐसा सब उन्होंने तय किया और उनको जुड़वा बेटे हो गए. अभी नियोजन किसका था? एक बच्चे का. लेकिन बच्चे कितने हुए? दो. तो अभी माँ क्या करेगी? नहीं, मुझे तो एक ही चाहिए था, एक हॉस्पिटल में रख लीजिए, या मैं एक को ही ठीक से देखूंगी, एक को नहीं देखूंगी. ऐसी माँ नहीं करती है. दो के लिए उतना ही समय देती है, उतना ही उनका सब कुछ करती है. क्यों? ये प्रेम है. ये अंदर एक क्या कहते हैं, कड़कड़ है, यानी ऐसी इच्छा है कि हाँ मेरे बच्चों का अच्छा होना चाहिए. उसी प्रकार हमें ये अनेक आघाड़ियों पे ये सारा काम चलाना है. इसीलिए समय के नियोजन कैसा करना है, इसके अनेक तरीके कार्यकर्ताओं को सीखना ही होता है, और ये हर बार सीखना होता है. जैसे एक बार मुझे एकनाथ जी ने, जो केंद्र के संस्थापक है, उन्होंने बताया था कि देखो जैसे बरस जाते रहेंगे काम बढ़ता रहेगा. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शारीरिक क्षमताएं कम होती रहेगी, लेकिन दिन के 24 घंटे बढ़ेंगे नहीं, वो तो 24 के 24 रहेंगे. भगवान ये नहीं कहेगा बहुत अच्छा काम कर रही, इसको थोड़ा 26 घंटे दे दो, ऐसा तो नहीं होता है. तो फिर हम ये संभाल कैसे पाएंगे? तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ानी है. यदि हमें वृत्त लिखने के लिए पहले दो दो दिन लगते थे, क्या मैं एक बैठक में बैठते हुए, बैठक यानी मैं बैठ गई लिखने के लिए, तो पूरा करते हुए उठूं? इस प्रकार से नियोजन, इस प्रकार से क्षमता अर्जित करना, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना, क्योंकि समय बढ़ता नहीं है, दायित्व बढ़ता रहता है, क्षमताएं भी कम ज्यादा होती रहती है, स्पेशली शारीरिक क्षमताएं. तो इसीलिए कार्य का नियोजन, समय का नियोजन, मैं मेरा कैसा कर सकती हूं. आखिर जीवन यानी दो बातें, समय और ऊर्जा. इसीलिए मैं राष्ट्र के लिए कार्य कर रही हूं, जीवन जी रही हूं, जीवन देना चाहती हूं, मेरा थोड़ा समय लगाना चाहती हूं. इसका अर्थ ही क्या है? मैं मेरा थोड़ा समय लगा रही हूं, मैं मेरी थोड़ी ऊर्जा लगा रही हूं, तो वो मैं कितना अच्छी तरह से लगा सकूं. तो इसीलिए एक है समय का नियोजन, दूसरा है कार्य के लिए अनुकूल बनते हुए, कार्य के लिए योग्य साधन बनते हुए मैं स्वयं का विकास कैसे करूं, क्योंकि हम ईश्वर के हाथ के साधन है यह कार्य करने के लिए, और इसीलिए मैं स्वयं को उस कार्य के अनुकूल कैसे बनाऊं, और ये हमें ही करना होता है. अपनी शाखा में अपने अधिकारी हमें बताते हैं, इससे हम प्रेरित होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना तो हमें है. तो ये अनुकूल, कार्यानुकूल बनने के लिए स्वयं का विकास जो है, उसके भी फिर से दो बातें हैं. एक है जो है बाह्य कौशल, यानी अनेक कौशल्य हमें प्राप्त करने होते हैं. सेविका होने के नाते मुझे शाखा लगानी आनी है, मुझे प्रार्थना आनी चाहिए, मुझे गीत लेना आना चाहिए, मुझे बैठक लेनी आनी चाहिए, मुझे बौद्धिक लेना आना चाहिए, मुझे चर्चा लेना आना चाहिए, मुझे लोगों से संपर्क करना आना चाहिए. ये सारे कौशल्य है, और ये कौशल्य हम, क्या होता है ना, कार्य का प्रेशर के कारण हम ये सीख ही जाते हैं. यानी जैसे केंद्र में मैं कहती हूँ, मैं जब कन्याकुमारी गई, मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता था,
यानी घर में भी यदि कोई रेडियो लगाता है मैं बंद कर देती थी, ऐसी स्थिति थी। यानी जो अपनी भाषा में हम कहते थे ना कि मैं एकदम गाने के बारे में औरंगजेब थी, यानी कान से भी मुझे समझता नहीं था गाना। लेकिन वहाँ जाने के बाद रोज भजन है, फिर संस्कार वर्ग में गीत सिखाना है, ऐसा करते करते गीत आने लग गया। अभी लोग पूछते हैं आपने संगीत सीखा है क्या? तो काम का प्रेशर से हम सीख ही लेते हैं। दूसरा, हम ये जब करते हैं ना तो हमें शाबाश की भी मिलती है, अरे आज गीत बहुत अच्छा गाया, आज चर्चा सत्र तुमने अच्छा लिया, हाँ तुम्हारा शाखा एकदम बहुत अच्छी चलती है। तो ये जो एक शाबाश की मिलती है उससे उत्साह मिलता है। इसलिए बाह्य कौशल प्राप्त करना ये इतना कठिन नहीं है, लेकिन वो भी जरूर करना है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो है वह है आंतरिक विकास। और हम सब जो सेविकाएं यहाँ बैठी है, अनेक दायित्व लेते हुए काम कर रहे हैं प्रांत स्तर पे, विभाग स्तर पे, जिला स्तर पे, तो हमारे कार्य की गति, हमारे विस्तार की गति हमारे आंतरिक विकास पे ज़्यादा निर्भर है। क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं हमारा बाह्य कौशल तो काफ़ी ठीक है, होना ही चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं इस प्रेरणा शिविर में। लेकिन दूसरा जो है, जो सतत कार्यकर्ता को सजगता से स्वयं को बनाना करना पड़ता है वह है आंतरिक विकास। इस आंतरिक विकास के सिर्फ चार बिंदु हम देखेंगे। जैसे एक है वह है आत्मीयता। मेरा जो व्यवहार है वो आत्मीयता से है क्या हर एक के साथ? क्योंकि अपने पूरे संस्कृति का आधार ही आत्मीयता है, एकात्मता है। और इसीलिए मैं राष्ट्र के लिए कार्य करना है तो मेरे जीवन का, मेरे विकास का अधिष्ठान भी आत्मीयता ही होनी है। तो मेरे व्यवहार में आत्मीयता है क्या? ये सिर्फ मैं जब शाखा में जाती हूँ तब नहीं, मेरे घर में जो नौकरानी है उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, मैं सब्जी लाने जाती हूँ उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, मैं रिक्शा में बैठती हूँ उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, हर जगह ये आत्मीयता है क्या? ये ज्ञानेश्वर कहते हैं कि शब्द पाठी पाजरे कृपा आधी। यानि ये जो कार्य करना है उसमें कृपा पहले होती है, यानी प्रेम स्नेह पहले होता है, स्नेह पहले प्रकटित होता है, शब्द बाद में प्रकटित होते हैं, ऐसा व्यवहार। तो जब हम कहते हैं एकात्मता मेरे व्यवहार में है या नहीं, इसको समझने के और दो तीन निकष। एक निकष है कि मेरे जो विचार है वो हमेशा तकरार को लेते हुए है क्या? इन्होंने ऐसा किया, वो ठीक नहीं कर रही, मैंने इसको कितनी बार बताया, वो ठीक से करती नहीं है, ऐसा यदि है तो कहीं ना कहीं आत्मीयता नहीं है, आत्मीयता की कमी है। जैसे उदाहरणार्थ समझे, हम खाना खा रहे हैं और अपनी जीभ दांत के अंदर आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम पानी पीते हैं फिर से खाना खाते हैं। हम जाके 10 लोगों को बताते नहीं है क्या बेकार के दांत है मेरे, जीभ को काट दिया, ये दांत अच्छे ही नहीं है, कितनी बार खाना खाया होगा अभी तक फिर भी आज काट दिया, इतनी आदत नहीं। नहीं बोलते हैं, अपने ही दांत अपने ही जीभ। यदि आत्मीयता है तो हम तकरार नहीं करेंगे। लेकिन समझिए, बार बार मेरी जीभ दांत के अंदर आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम जाके दांतों को उखाड़ नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, शायद मेरा नर्व्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया है। तो कंप्लेंट नहीं होगी, कंसर्न होगा, चिंता होगी, अरे नहीं इसको ठीक करने के लिए मुझे कुछ टेस्ट करनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यानी यदि अपनी सेविका के व्यवहार में कुछ दिख रहा है तो कितने आत्मीयता से हम उसको ठीक कर सकते हैं? 10 लोगों को बता के ये हमेशा ऐसा ही करती है, ऐसा करके हम उसको डिसक्रेडिट और कर देते हैं 10 मनों में,
बाद में मुझे लगता है कि ओ मेरी तो ये गलत फहमी थी, एक्चुअली ये अच्छा करती है, लेकिन मैंने 10 मन तो कलुषित कर दिए। इसीलिए आत्मीयता का एक प्रगटीकरण है कि मेरे विचारों में, मेरे व्यवहार में कंसर्न है या कंप्लेंट है। दूसरा जो है कि एक्सेप्टेंस है या नकार है, आत्मीयता है। जैसे अभी मेरे घुटने में बहुत दर्द है, तो मैं ये नहीं कहती क्या बेकार का घुटना है, मैं बेचारे को रोज तेल लगाती हूँ, चढ़ते समय उसको उसके ऊपर भार नहीं देती हूँ, है ना, हम उसको संभालते ही है। तो जो जैसा है वैसा कोई भी हमें परफेक्ट आकाश से टपका हुआ मिलने वाला नहीं है, ये तो मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन हम यदि अपनी अपेक्षाओं से जज करने जाएंगे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है उसमें, तो फिर हमें लोगों को जोड़ने में समय लगेगा। इसीलिए व्यक्ति को सहजता से स्वीकारना। और तीसरा जो ज्ञानेश्वर ने बताया हुआ मैंने बताया कि अपनी वाणी, अपनी वाणी कैसी है बहुत महत्व का है। कभी कभी अपना टोन गलत होता है बोलने का, कभी अपने शब्द गलत होते हैं। ये रामायण में राम लक्ष्मण को कहते हैं, जब हनुमान आता है ना परिचय करा लेने के लिए, कहते हैं कि इसकी वाणी इतनी सुंदर है कि ये जो भी कार्य करता होगा अच्छा ही करता होगा, वाणी से कार्यकर्ता का परिचय। फिर राम उसमें चार ये देते हैं कि उसका ये क्या है, एक है अविलंबितम, यानी कुछ पूछने से वो सोच रहा है, अच्छा आपके प्रांत में कितने जिले में काम अच्छा चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं, मन में कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कार्यकर्ता तैयार है, अविलंबितम, सतत अपना कार्य क्षेत्र इतना सोच रहा है कि उसको जवाब देने में समय नहीं लगता है, अविलंबितम, अविस्तरम। जब चर्चा सत्र में बैठते हैं और प्रश्न पूछा जाता है, मैं ही मेरा लंबा सारा बताती रहूंगी, है ना, हमें ऐसे अनुभव आते हैं, तो फिर बाकी लोगों को कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। इसलिए अविलंबितम, अविस्तरम। फिर है असंदिग्धम, हाँ यानी काम वैसे अच्छा ही चल रहा है, वैसे अच्छा ही चल रहा है यानी क्या, वैसे नहीं चल रहा है, असंदिग्धम, यानी उसमें संदिग्धता नहीं होनी है कि हाँ हमारे विभाग में इतने जिले में ऐसा काम है, इतने जिले में नहीं है। ये जब अपना कार्यक्षेत्र का परिचय अच्छा है, अपने कार्य का परिचय अच्छा है, कार्यकर्ता का परिचय अच्छा है, तभी हम इस विषय को ठीक से बता पाएंगे। तो अपने वाणी से अपने कार्य का परिचय होता है। और चौथा है बहुत सुंदर, अव्यथम, यानी आपके शब्दों से आप व्यथा निर्माण नहीं करते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं। इसका एक उत्तम उदाहरण हनुमान का और एक है कि हनुमान जब वापस आए सीता को ढूंढने के बाद, और राम ने, अभी राम को बताना है सीता मिली क्या, तो सीता को मैं ढूंढने गया है ना, कुछ लोगों को ऐसा पूछिए, अरे तुमको वो उनको मिलके वो संदेश देना था वो हो गया क्या, नहीं क्या हुआ ना, उस दिन मुझे जाना था तो उस दिन उन्होंने बोला कि अभी मत आइए, फिर दूसरे दिन तो वो छुट्टी थी ना, तो छुट्टी के कारण फिर से ये हो गया, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फिर वो बोले अच्छा आप 5 बजे आइए, जब मैं 5 बजे गया तब उनके यहाँ 4 लोग बैठे थे, ए चल रहा है, अरे तुमने संदेश दिया या नहीं दिया, लेकिन वो रिपोर्टिंग आएगा ही नहीं पहले, है लंबी कहानी चलेगी, अरे पहले वो तो ठीक है ना, आप पहले वो बता दीजिए, हाँ मैंने वो दिया, अच्छा कब दिया कैसे दिया, ऐसे पूछते हैं तो बाकी कहानी बताइए, लेकिन जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब मिलने के लिए 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे 1 घंटा समय लेते हैं बताते नहीं है, अव्यथम बताना आता नहीं है। तो हनुमान ने जब राम को देखा, मैंने सीता को, यदि मैं ऐसा शुरू करूंगा वाक्य की शुरुआत, तो राम को लग सकता है नहीं देखा, यह भी शब्द आएगा, तो ये 3
यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मैंने सीता को ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इतना बोलने के लिए भी वो सुनते समय राम के मन में संदेह नहीं होना है, व्यथा नहीं निर्माण होनी है। इसीलिए उसने वाक्य की शुरुआत कैसे की, दृष्ट्वा सीता, देखा सीता को, यहां से शुरुआत अव्यथम। तो अपनी वाणी है वो भी इस अपने कार्य का परिचय देती है, अपने आत्मीयता का परिचय देती है। तो अभी इस वाणी को ठीक कैसे करना, और वो नहीं होती है, हम सबके अपने अपने स्वभाव के अनुसार होती है। जैसे उदाहरणार्थ समझे, जैसे अभी मैं केंद्र की कार्य करती हूँ, एक केंद्र का उदाहरण देती हूँ। जो कार्यकर्ता सतत बच्चों के संस्कार वर्ग लेते हैं ना, ए उधर खड़े हो, ऐसा नहीं, मंडल ठीक नहीं हुआ, हम ऐसा बोलते हैं। अभी उनको ही बड़े लोगों का एक वर्कशॉप लेना है योग में, जिसमें खेल भी है, ए ऐसे नहीं, ठीक खड़े हो जाइए, ये सारे CEOs है। लेकिन आदत हो गई, वाणी की ऐसी आदत हो गई, तो हमें वो ठीक करना है। या मुझे बचपन से कुछ प्रकार की आदत है, तो रोज रात को थोड़ी देर के लिए बैठते हुए मेरी वाणी में कमी कहाँ आई, और मैं यही जो मैंने बोला वो और अच्छी तरह से कैसे बोल सकती थी, एक दो मिनट का ध्यान, क्योंकि वाणी अपनी पहचान है यह, और वाणी से हम लोगों को जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये स्तुति वाली वाणी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छा किया, ये ऐसा नहीं है। वी शुड नॉट यूज द वीकनेस ऑफ अदर्स, ये आत्मीयता से आई हुई वाणी का स्नेह है। दूसरा जो है, एक है आत्मीयता यानी आंतरिक विकास में जो हमने देखा, दूसरा जो है वह है अत्यंत प्रामाणिकता, नितांत प्रामाणिकता, उसको हम रिलायबिलिटी कह सकते हैं, इंटीग्रिटी कह सकते हैं, लेकिन ये नितांत प्रामाणिकता, ये आंतरिक विकास है। ये क्या है, तो यदि ये मेरा दायित्व है तो मुझे और किसी ने फोन करके याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी है, ये मेरा दायित्व है, और ये व्यवस्था से मुझे मिला है, तो जो हमने नियोजन बैठक में तय किया है उसके पीछे लगे रहना, ये मेरा दायित्व है, मुझे और रिमाइंडर नहीं चाहिए। जैसे एकनाथ जी कहते थे कि बोगी को खींचने के लिए इंजन चाहिए, यदि वो इंजन भी कहता है कि मुझे खींचने के लिए और एक इंजन लेके आओ सुपर इंजन तो फिर इसको एंड ही नहीं रहेगा। इसीलिए एक तो है स्वयं प्रेरित, मेरा व्यवहार है क्या, मेरे दायित्व को लेकर मैं नितांत प्रामाणिक हूं क्या। दूसरा जो इसमें आता है नितांत प्रामाणिकता में, कि बहुत बार होता है, क्योंकि जब साथ में काम करते हैं ऐसा कुछ हो जाता है कि मेरे प्रांत का विषय था लेकिन ऐसा हो गया कि मुझे पूछा नहीं गया, मुझे ठीक से बताया नहीं गया, और कुछ तो भी निर्णय हो गया, या मेरे जिले का विषय था और मुझे बताया नहीं गया, मेरे विभाग का, ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसे समय क्या करते हैं, कभी कभी कार्यकर्ता हाथ ऊपर कर देते हैं, हाथ ऊपर करना यानी बस हो गया, मैंने बहुत काम किया, अभी अगले समय से मुझे कार्यवाही का दायित्व मत दीजिए। थोड़ा सा कुछ हो गया हाथ ऊपर करना, आई विल नॉट डू, ये प्रामाणिकता नहीं है, ये आंतरिक विकास नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम हाथ ऊपर करने लगेंगे तो हर एक का मन संभालने में ही संगठन का ज्यादा समय जाता है, जो कार्य विस्तार में अपना समय लगाना है वो नहीं लगा सकते। क्या हम अपने ये अपने छोटे छोटे मान सम्मान संभालने के लिए थोड़ी राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, और फिर ये धर्म का कार्य नहीं है। ठीक है, हो गया ऐसा, मुझे नहीं पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बता सकते हैं कि हाँ एक आप मुझे पहले एक बार बता देते तो अच्छा होता, इतना बताइए, लेकिन हाथ ऊपर नहीं करना है। बहुत कार्यकर्ता ऐसे होते हैं उनमें बहुत कुशलता होती है, बाह्य कौशल खूब होता है, लेकिन ये नहीं होता है रिलायबिलिटी, ये कब हाथ ऊपर करेगा बता नहीं सकते,
और इसीलिए यू कैनॉट डिपेंड ऑन हिम, उसके ऊपर डिपेंड होते हुए योजना नहीं बना सकता है संगठन। इसीलिए ये नितांत प्रामाणिकता। फिर तीसरा जो है कि जो भी निर्णय है संगठन के हित में लेना है, क्योंकि हम अपने दायित्व में काफी सारे निर्णय लेने होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, हाँ मेरा तो उनके साथ बहुत अच्छा रिपोर्ट है क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत स्तुति की है एक बार, तो इसलिए मुझे लगता है मेरा रिपोर्ट बहुत अच्छा है। और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसी को लेना चाहिए। बहुत बार संगठन में जो वाद होता है वो ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है इसको लेते हुए होता है, अपने जो चमू में होता है ना। तो इसीलिए जो भी संगठन के हित में है, इसीलिए सब थोड़ा मिलाते हुए, अपने मत मिलाते हुए, सबका मत ध्यान में लेते हुए ये निर्णय लेना। इसीलिए संगठन के हित में ही निर्णय होगा। मेरा जो भी मुझे अल्टीमेटली निर्णय हो गया और बाद में मुझे पता चला तो भी ये संगठन का निर्णय है, उसका मैं पालन करूँगी। ये संगठन के निर्णय को करना। इसीलिए ये जो आंतरिक विकास है ना, ये एक्चुअली आध्यात्मिक विकास है। ये टोटल समर्पण है। समर्पण किसका है? समर्पण अपने अहंकार का है, और वो अहंकार बीच बीच में आता रहता है। तो इसीलिए समष्टि संगठन के निर्णय का जो आदर है, और दूसरा संगठन को समर्पण। निर्णय का आदर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कभी हम सब चमू ने मिलके बहुत डिस्कस किया और आखिर मैंने जो सुझाव दिया था वो सुझाव माना नहीं गया, दूसरा सुझाव माना गया कि हाँ इधर करेंगे हम। इस समय का जो अपना कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग है वो इधर करेंगे, शिक्षा शिविर जो है अभी। मैंने कोई अलग स्थान सुझाया था, सबने मिलके दूसरा स्थान तय किया। अच्छा ठीक है कीजिए, क्योंकि मेरा माना नहीं ना, कीजिए देखेंगे आप क्या क्या उधर कठिनाइयां हैं। हाँ अच्छा, आपको एक लेसन मिलेगा, मेरा माना नहीं ना। ऐसे भाव यदि मन में आते हैं तो हमारा आंतरिक विकास नहीं हुआ है। मेरा सुझाव नहीं माना है फिर भी एक बार सबने चर्चा करते हुए निर्णय हुआ है, तो फिर उसको पूर्ण रूप से स्वीकारना, ये है आंतरिक विकास। और संगठन के कार्य का जो विस्तार होता है ना, वो कार्यकर्ताओं के आंतरिक विकास के कारण ज्यादा होता है। बाह्य कुशलता भी चाहिए, लेकिन यदि आंतरिक विकास नहीं हुआ है, जैसे कभी कभी तो ये और डेंजरस होता है कि बाह्य विकास तो अच्छा हुआ है, बाह्य कौशल्य बहुत अच्छे प्राप्त किए हैं, मैं बहुत अच्छा भाषण दे सकती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जैसी बुद्धिमान और कोई नहीं, मैं इतना अच्छा भाषण देती हूँ। इसलिए बैठक में जब मैं बैठती हूँ, मैंने जो बताना है वो सबने सुनना है। लोग मुझे कितना चाहते हैं, आप कितना बढ़िया भाषण दिया, आपका बौद्धिक क्या बढ़िया हुआ उस दिन, उस उत्सव में आपने बहुत अच्छा बोला। तो आंतरिक विकास नहीं हुआ है। संगठन में स्वयं को विलीन करते हुए जाने के स्वभाव को विकसित नहीं किया है, तो मेरे बाह्य कुशलता के कारण मुझे जो स्तुति मिल रही है उससे मेरा हेड वेट बढ़ता रहता है, अहंकार बढ़ता रहता है, और खुद की एक फॉल्स वैल्यू बढ़ती रहती है कि मुझे सब समझता है, मैं जो बताऊंगी बस वही सही होना है, मेरे जैसा कोई बोलता है क्या। और फिर जब संगठन में मैं कुछ बोलने जाती हूं और वो स्वीकारा नहीं जाता है, तो लगता है इस संगठन को ना, समिति को मेरे गुणों की कदर ही नहीं है, ऐसा हम बोलने लगते हैं। एक्चुअली
हमारा आंतरिक विकास कम पड़ रहा है, ये इसका कारण है। तो इसीलिए संगठन में लीन होना, संगठन में स्वयं का विलय करना, ये आंतरिक विकास का और एक है। यानी ऐसा ऐसी सेविका है ये, इसको कभी भी, यानी कभी कभी सेविका का दायित्व बदलना है, उसको कुछ बताना है तो उसको बुला के आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक्चुअली ना अभी ये चाहिए, यानी जैसे एकनाथ जी हमें कहते थे हैंडल विथ केयर, हम ऐसे हैं, या संगठन हमारे ऊपर कोई भी अधिकार दिखा सकता है फोन करके, देखिए ये ऐसा हो गया आप ये कर सकती है क्या, और हम हाँ कह सके। ऐसे जितने कार्यकर्ता होते हैं उतना संगठन पक्का होता है। लेकिन इफ वी आर हैंडल विथ केयर, वो एकनाथ जी ऐसा उदाहरण देते थे, ये सारे रेलवेज में लिखा हुआ होता है ना, एक्सप्लोजिव्स, हैंडल विथ केयर, एक्सप्लोजिव यानी थोड़ा भी शब्द इधर गया हो गया गरम मामला, इसका मतलब हमारा आंतरिक विकास नहीं हुआ है। और हमने यह जो विस्तार का दायित्व लिया है, यह विस्तार कार्य का विस्तार है, यह धर्म की संस्थापना है, और ऐसे धर्म की संस्थापना में हमारा यह आंतरिक विकास हमने बड़ी सजगता से करना है। इसके लिए कार्यकर्ता का स्वाध्याय और एक चिंतन, थोड़ा बहुत चिंतन, अपने विचारों को देखते हुए अपने विचारों को परखना। यदि मेरे विचारों में तकरार है इसका मतलब स्वीकार नहीं है, यदि मेरे विचारों में मैं है तो मैं बोलने के लिए संगठन की समिति की सेविका हूँ, लेकिन मैं समिति की सेविका नहीं हूँ, मैं सो एंड सो ही हूँ। तो मेरे बोलने में सतत मैं आ रहा है क्या? क्या मुझे संगठन का कोई भी निर्णय उतने ही उत्साह से स्वीकारना आता है क्या? चमू में मैं भी हूँ, ऐसा नहीं निर्णय लेते समय, लेकिन 50 सुझाव में एक ही सुझाव अल्टीमेटली माना जा सकता है। तो ऐसे अपने विचारों को रोज परखना और थोड़ा स्वाध्याय करना, ये दो बातें यदि हम करते हैं तो अपना आंतरिक विकास भी हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। और आंतरिक विकास यदि करते हैं तो ये राष्ट्र का कार्य जो कर रहे हैं वही आध्यात्मिक साधना बन जाती है, क्योंकि ये राष्ट्र साधारण राष्ट्र नहीं है, यह त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, ये दुर्गा देवी का प्रगटित रूप है, ये राष्ट्र साधारण राष्ट्र नहीं है, ये भवानी भारती है, ये जगत जननी का रूप है। और ऐसे जगत जननी की सेवा जब हम करते हैं, इसका कार्य जब हम करते हैं और ये आंतरिक विकास करते हुए करते हैं, तो यही अपनी आध्यात्मिक साधना हो जाती है। क्योंकि आध्यात्मिक साधना में मुख्य रूप से तीन बातें होती है, क्या है तीन बातें? एक है नित्यता, यानी उसमें ये नित्य करनी है आध्यात्मिक साधना। तो मैं मेरे कार्य के लिए, शाखा के लिए नित्य समय निकालती हूँ, तो एक है नित्य। दूसरा है निरहंकारिता, यानी अहंकार धीरे 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 कम होता है, मैं समाप्त होता है आध्यात्मिक साधना में। तो सबके साथ काम करते हुए मेरा ये मान अपमान, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना, ये सारा धीरे धीरे कम होता है। और तीसरा जो है चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि यदि निष्काम भाव से काम करते हैं, ये काम मैं किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा मानते हैं इसलिए कर रही हूँ, तो फिर ये काम्य सेवा हो गई, ये काम्य बुद्धि से काम किया। मैं ये क्यों काम करती हूँ, क्योंकि मुझे स्टेज पे जाने के लिए अच्छा लगता है, मेरा नाम होता है। और आजकल तो ऐसा भी हो गया ना कि पॉलिटिकल पावर के साथ पास में जा सकती हूँ। मैं ये काम किस लिए करती हूँ, ओ समिति में एकदम इंटरेस्ट आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि मुझे जाना है, टिकट चाहिए। तो फिर ये काम्य सेवा है, और फिर इसका आध्यात्मिक फल नहीं है ना, इसमें आंतरिक विकास है। मैं ये किस लिए करती हूँ, क्योंकि ये करना है, ये राष्ट्र का कार्य है, इस राष्ट्र में मैं जन्मी हूँ, मुझे कुछ भी मिले ना मिले लेकिन ये कार्य करना है, इसलिए मैं करती हूँ।
अभी परसों ही बात हो रही थी औरंगाबाद में, मुझे एक स्त्री पूछ रही थी, नहीं परसों नहीं इधर ही दिल्ली में कल ही यानी 9 तारीख को, वो बोल रही थी लेकिन धर्म का पालन करना है, धर्म का पालन करना है, लेकिन धर्म का पालन करने से क्या मिलता है। मैंने कहा क्या मिलता है इस विचार से आप धर्म का पालन करते हैं तो वो धर्म का पालन नहीं है। धर्म का पालन क्यों करना है, क्योंकि धर्म का पालन करना है इसलिए पालन करना है। राष्ट्र का कार्य क्यों करना है, क्योंकि राष्ट्र का कार्य करना है इसलिए करना है। इसमें मैं मेरा कुछ नहीं है। ये निष्कामता जब आएगी तब चित्त शुद्धि होने लगेगी। और ये तीन है, यही आध्यात्मिक साधना है हमारे लिए। और कोई पूजा पाठ तीर्थ यात्रा में जाना जरूरी नहीं है। इस राष्ट्र की सेवा ही यह ईश्वर का कार्य है। और उसके लिए हमारा जो आंतरिक विकास है उसमें हमें बड़ा सजग रहना होगा। हम सारे ऋषि कार्य करने वाले हैं। रामायण में अगस्त्य ऋषि राम को बताते हैं कि ये राक्षस जो ऋषियों को खाते हैं वो सिर्फ उन्हीं राक्षसों को खा सकते हैं, उन्हीं ऋषियों को खा सकते हैं जो स्वार्थी हो जाते हैं या बेसावध है। कार्यकर्ता भी तभी नष्ट हो सकता है यदि वो स्वार्थी है या असावध है, सावध नहीं है। तो सावध रहना और निस्वार्थ भाव से कार्य करना, ये यदि हम करते हैं तो इस जगत की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। और कार्य का विस्तार करने का जो एक अत्यंत सुनियोजन करते हुए यहाँ से सारी सेविकाएं जाने वाली है, वो निश्चित उस विस्तार को आगे ले जा सकती हैं।